1 मिनट वीडियो रिग्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर अगर दो वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम इसको बोलेंगे सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो फिर वो कहलाएगा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। अब इसमें हमने करना क्या होता है, इसके अंदर हमने ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसकी डिपेंडेंसी चेक की जाती है कि ये कितना कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी चेक करके फिर हम इसको प्रिडिक्शन करते हैं, फॉरकास्टिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि कोरिलेशन के अंदर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि दोनों वेरिएबल कितना को एक दूसरे के साथ रिलाई करते हैं, लेकिन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। जिस तरह के रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट था एक इंडिपेंडेंट था, लेकिन इसमें दोनों जो है वेरिएबल उनकी हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितना को एक दूसरे के साथ वो लिंक करते हैं। इसका इस आप यूँ भी देख सकते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ अगर हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर या दूसरे वेरिएबल से फर्स्ट वेरिएबल की तरफ हम आते हैं तो दोनों का आंसर सेम ही निकलता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये तमाम 1 मिनट वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट की सूरत में 1 मिनट वीडियो ऑन इकोनॉमिक्स से मिल जाएंगी।